ये बीज बनारस से आए? जी बनारस से। क्या रेट का आता है ये? आता है 1500 रुपए हजारा। बाई बस मंगवाते हैं इसको? हाँ बाई बस आता है काशी डिपो से। ऐसे दो दो पीस लगते हैं। कितने दिन में तैयार होता है ये? ये तैयार होता है आपका 45 दिन में एकदम रेडी हो जाता है फूल देने के लिए। फूलों की खेती कर विकास दर को दे सकते हैं रफ्तार। महाराजगंज के विकास सैनी ने पूर्वांचल वासियों को दिखाई राह। यह दृश्य आप जो देख रहे हैं वह महाराजगंज जनपद के फरेंदा ब्रिजमनगंज दुर्गापुर का है, जहां बीएससी की पढ़ाई करने वाले विकास सैनी ने अपने पुश्तैनी कार्य फूल बेचने के व्यवसाय को फूलों की खेती तक पहुंचाकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास खेती की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर हार नहीं मानी, बल्कि किराए यानी हुंडा पर 45 डिसमिल खेती की जमीन लेकर उस पर गेंदा के फूलों की खेती शुरू की और अन्य किसानों की तुलना में अधिक आय अर्जित कर फूलों की खेती से तरक्की की नई इबारत लिख दी। उनके खेतों में फूल सिर्फ महक ही नहीं रहे हैं बल्कि उनकी आय का जरिया भी बढ़ा रहे हैं। ब्रिजमनगंज क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी विकास सैनी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। वह पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जीविका के लिए 45 डिसमिल फूलों की खेती कर आय का जरिया चुने हैं। फूलों की खेती पिता सीताराम सैनी ने शुरुआत किया तो पूरा परिवार फूलों की खेती में लग गया। मात्र 7000 रुपये वार्षिक किराए पर गांव के एक व्यक्ति से हुंडा की खेती लेकर उसमें फूल की खेती करने की शुरुआत इन्होंने की। फूल का बीज बनारस से लाकर लगाया जाता है जिसमें करीब 25000 रुपये की लागत आती है। फूल 45 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हिसाब लगाया जाए तो जमीन का किराया देने के बाद लगभग 50000 रुपया मासिक मुनाफा भी हो जाता है। अपने खेत में उगाए गए फूल को बगल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर के फूलों की दुकान में बेचने के साथ साथ सजावट के काम में लाया जाता है। यही इनके आय का मुख्य स्रोत है और इसी से परिवार का भरण पोषण होता है। फूलों की खेती में पूरा परिवार सहयोग करता है। अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला है। यदि जिम्मेदार विभाग इस तरफ ध्यान दें तो हजारों लोगों को पूर्वांचल में जीविका का साधन मिल सकता है। आज हम पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज जनपद में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये फ्लावर्स हैं। महाराजगंज में जो खेती होती है ज़्यादातर खेती जो है वह गेहूं की और धान की बुआई होती है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा होने के नाते यहाँ इस टाइम में जो है धान की फसल उगाई जाती है, जिससे किसान यहाँ के मालामाल होते हैं। पर पारंपरिक खेती को त्याग कर आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो खेती है फ्लावर्स की खेती है। इनकी 4 प्रजातियाँ होती हैं और इसके बीज बनारस से मंगाई जाती है। महज 40 से 45 हजार रुपये की लागत में ये अच्छा इनकम दे जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के किसान विकास सैनी से किसकी खेती कैसे करते हैं। यह खेती आपने कब स्टार्ट की? सर हम इंटर से स्कूल खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं और अभी तक कर रहे हैं ये खेती फूल की। तो इंटर आप पढ़ाई भी करते हैं? जी बीए सेकंड ईयर अभी चल रहा है, इंटर से ही करना का चालू कर दिए, 2 साल से हम ये खेती कर रहे हैं। तो कितने एरियाज में आपने ये खेती लगाया है और कितनी लागत लगाई है आपने और कितना इनकम आपको मिलता है? ये 45 डिसमिल खेत है, वो भी रेंट पे लिए हुए हैं और ये 35000 रुपये तक का इन्वेस्ट हो जाता है और उसका 70000 तक रिकवरी हो जाता है इससे, और खेत का वैल्यू 7000 रुपये उनको सालाना देना रहता है। तो आपकी लाभ कितनी हुई है? इसमें लाभ हमारी 28000 रुपये हो जाती है। अच्छा, लगाते कितना आप? 35000 और 7000 रुपये ब्याज ये खेत का रेंट। अच्छा जी, तो आपकी इनकम तो ज़्यादा हो गई फिर? जी जी होती है। ये ऐसी पारंपरिक जो खेती आप जैसे अभी यहाँ के किसान धान और गेहूं की फसल करते हैं, किस प्रेरणा से या कैसे मार्गदर्शन से आप जो है फ्लावर्स को उगा रहे हैं और ये फ्लावर्स के नाम क्या है? जी ये मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल जिसे कहते हैं, और ये बनारस मंगाए जाते हैं। वैसे तो हम सैनिक कास्ट के हैं माली, और
परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है कि फूलों की खेती और फूलों का काम चलता रहता है। मंदिर पर दुकान है तो इसी वजह से हम लोग का काम बहुत पहले से चलता था, लेकिन अब हम खुद से भी ये काम करते हैं, फूल लगाते हैं और खुद ही सेलिंग करते हैं। तो आपके इस सहयोग में सरकारी कोई सुविधा मिली अभी आज तक? नहीं, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, जो करते हैं वो अपने से करते हैं। अब आगे तो पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ लाभ हमें मिला नहीं है, जो मिलता है ये हमारे खेत से ही, इसी से रोजी रोटी सब कुछ चलता है हमारा, इसी से रोजी रोटी चलता है। तो आप देख सकते हैं कि विकास सैनी का रोजी रोटी इसी फूल फ्लावर से ही चलता है। ये सिर्फ विकास के लिए नहीं, बल्कि महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, कुशीनगर, पूर्वांचल के सारे जिलों के लिए, पूरे किसानों के लिए है। अगर वो फ्लावर्स की खेती करते हैं तो कम लागत में अच्छी इनकम पाएंगे। कैमरामैन आनंद सैनी के साथ अभिषेक अग्रहरी, महाराजगंज।